का अवसर मिलाया है। पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था आपका मन भर जाए फिर मैं बोलना शुरू करूं। अब आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। अब आप इजाजत दें तो बोलना शुरू करूं। इजाजत है? हमारे लिए तो जनता जनार्दन ही भगवान है। आप इजाजत दें तो हम शुरू करेंगे। इजाजत है? राधे राधे। मैं पहले भी अलीगढ़ आया हूं और पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। आज मैं अलीगढ़ की जनता को, हाथरस के मेरे भाई बहनों को फिर एक बार प्रार्थना करने आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। और मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि अच्छे भविष्य की, विकसित भारत की चाबी भी आप ही के पास है। अब देश को गरीबी से पूरी तरह से मुक्त करने का समय आ गया है। अब देश को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त कराने का समय आ गया है। अब देश को परिवारवादी राजनीति से मुक्त कराने का समय आ गया है। और इसके लिए जरूरी है फिर एक बार साथियों, इस बार अलीगढ़ में 26 अप्रैल को और हाथरस में 7 मई को मतदान है। आपको अलीगढ़ से मेरे छोटे भाई भाई सतीश गौतम जी को और हाथरस से मेरे अनन्य साथी अनूप वाल्मीकि जी को भारी मतों से जिताना। और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और आप भले यहां वोट हमारे सतीश जी को देंगे होंगे या अनूप जी को देते होंगे,
लेकिन ये पक्का मानिए, जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो मोदी को सीधा आपका वोट मिल जाएगा। तो मैं ये वोट मोदी के लिए मांगने के लिए आया हूं। आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, भरपूर मिलेगा। अच्छा, हमें एक और बात भी याद रखनी होगी। एक तरफ फसल की कटाई का समय है, शादी ब्याह का भी समय है, और गर्मी तो पूछो मत है, सब कुछ है। लेकिन भाइयों बहनों, देश से तो बड़ा कुछ नहीं होता ना, देश से बड़ा कुछ होता है, होता है। देश का इतना बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, हमें सारे काम छोड़ करके वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सुबह सुबह वोट करना बहुत जरूरी है, करोगे? धूप निकलने से पहले वोट हो जाए, जलपान से पहले मतदान हो जाए, आपके एक एक वोट का बहुत महत्व है। अब आप देखिए, पहले आए दिन बॉर्डर पर बम गोले चलते थे, गोलियां चलती थी, और आए दिन हमारे वीर सपूत शहीद होते थे, तिरंगे में लिपट करके उनका शरीर घर लौटता था। आज ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? सबकी बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई? उनकी तोप और बंदूक बारूद सब बिक गए कि नहीं बिक गए? पहले आए दिन आतंकी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे, अयोध्या को नहीं छोड़ा, काशी को नहीं छोड़ा, हर बड़े शहर में आए दिन बम धमाका। अब सीरियल बम धमाकों पर भी अब फुल स्टॉप लग गया है कि नहीं लग गया है? और जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनको शायद याद नहीं होगा, तब वो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के होंगे। जरा याद कीजिए, आपके परिवार में पूछिए, उस समय अखबारों में, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता था, और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि कहीं पर भी कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो उसके दूर रहना, उससे छूना मत, कहीं बैग दिखाई दे, कहीं कुकर दिखाई दे, कहीं टिफिन का बॉक्स दिखाई दे, उधर पास मत जाना, तुरंत पुलिस को जानकारी देना। ये आए दिन सूचना दी जाती थी। एयरपोर्ट पे जाओ तो इसका अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ उसका अनाउंसमेंट होता था, बस स्टेशन पर जाओ अनाउंसमेंट होता था कि लावारिस चीजों को हाथ में लगाओ। इन मेरे फर्स्ट टाइम वोटर है ना, तब बहुत छोटे थे, उनको मालूम नहीं होगा। ये सरकार लगातार बोलती थी, सूचना देती थी, क्यों? क्योंकि इन लावारिस चीजों में बम रखे जाते थे, और कोई निर्दोष व्यक्ति उसको हाथ लगाता था वो मौत के घाट उतर जाता था। भाइयों बहनों, ये मोदी योगी का कमाल है, ये सारा बंद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? शांति मिली कि नहीं मिली? और जब शांति मिलती है तो सुरक्षा मिलती है तो विकास होता है कि नहीं होता है? पहले आर्टिकल 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर में
अलगाववादी शान से जीते थे और हमारे फौजियों पर पत्थर चलाते थे, अब इन सब पर फुल स्टॉप लग गया कि नहीं लग गया, लग गया कि नहीं लग गया। पहले अलीगढ़ में भी आए दिन कर्फ्यू लगता था, अगल बगल के लोगों को अलीगढ़ आना है तो फोन करके पूछते थे भाई शांति है ना, मैं आऊं तो चलेगा ना, शादी की तारीख तय करनी हो तो पूछते थे यार कहीं दंगा हो जाए ऐसे इलाके में शादी नहीं करेंगे कहीं और करेंगे, ये हाल तक नहीं था। ये गया कि नहीं गया, ये योगी जी ने करके दिया है आपको। साथियों, दंगे, हत्या, गैंग वॉर, फिरौती, ये सब तो सपा सरकार का ट्रेडमार्क ही था, यही उनकी पहचान थी और उनकी राजनीति भी उसी से चलती थी। एक समय था जब हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। योगी जी की सरकार में अपराधियों की हिम्मत नहीं है कि वो नागरिकों का अमन चैन बिगाड़े। साथियों, कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमंदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमंदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, यही इसी क्षेत्र में तीन तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था, और सिर्फ बेटियों का नहीं, वो तीन तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें अकेली हज करने जाएं जा नहीं सकती थी, सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी और मुझे हजारों ऐसी बहनें आशीर्वाद दे रही है जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ। साथियों, कांग्रेस सपा जैसी भ्रष्ट पार्टियों ने आपके परेशानियों को
उनकी कभी परवाह नहीं की। गरीब को पैसे देकर भी पूरा राशन नहीं मिलता था, बिचौलिए ही लूट लेते थे। आज अलीगढ़ और हाथरस के लाखों साथियों को मुफ्त राशन मिल रहा है, इतना ही नहीं पूरा राशन मिल रहा है। अलीगढ़ और हाथरस के लाखों परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिली है। अब मोदी की गारंटी है कि देश के हर परिवार में, आपके घर में जो बुजुर्ग माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, चाचा चाची है, अब उम्र के कारण और कोई तो काम कर नहीं पाते और उम्र के कारण कोई न कोई बीमारी आ ही जाती है, अब आपके डबल जिम्मा होता है, एक तो परिवार के बुजुर्गों को संभालना, दूसरा जिम्मा होता है अपने बच्चों का भविष्य बनाना, और उसमें अगर बुजुर्ग कोई बीमार हो गए तो सारा बोझ आप पर आ जाता है। ये मोदी है जिसको आपकी भी चिंता है, और इसलिए मोदी ने गारंटी दी है कि आपके परिवार के 70 साल की ऊपर के आयु के कोई भी बुजुर्ग माता पिता को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की चिंता ये बेटा करेगा। भाइयों बहनों, ये राशन मिल रहा है, इलाज मुफ्त में मिल रहा है, घर मिल रहे हैं, ये सब किसने किया? ये सब किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। आपके वोट की ताकत है जिसके कारण गरीब का भला हो रहा है, और इसलिए इसका जो पुण्य है ना, उस पुण्य के आप भी उतने ही हकदार हैं। भाइयों और बहनों, आजकल जब मैं कहता हूं कि 10 साल में जो किया वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर, हमें तो बहुत सारा काम करना है, और जब मैं इतनी सारी बातें बताता हूं ना तो ये सपा कांग्रेस वालों को समझ ही नहीं आता ये मोदी कहां ले जा रहा है। बोले पहले तो हम तू मैं राजनीति करते थे, अब मोदी इतनी बड़ी दुनिया की तरफ देश को ले जा रहा है, वो मोदी के साथ कदम ही नहीं मिला पा रहे। अभी क्षेत्र में ही देखिए, अलीगढ़ में हवाई अड्डा बन गया, पड़ोस में जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, गाजियाबाद अलीगढ़ नेशनल हाईवे बन गया, अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे बन गया, हाथरस भी मथुरा बरेली एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है, अलीगढ़ और हाथरस दोनों रेलवे स्टेशन आधुनिक बनाए जा रहे हैं। ये एएमयू तो थी या अब राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का भी निर्माण पूरा होने वाला है। ऐसे ढेर सारे काम इस क्षेत्र में हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, इतने सारे काम हो जाए तो किसी को भी आराम करने का मन कर जाए कि न कर जाए? कर जाए कि न कर जाए? लेकिन ये मोदी है,
के लिए जीता है वो रुकना जानता नहीं है। और इसलिए क्योंकि मैंने तय किया है आपका सपना ही मेरा संकल्प है, मेरा पल पल आपके नाम है, मेरा पल पल देश के नाम है। 24/7 फॉर 2047। न मोदी रुकने वाला है, न मोदी थकने वाला है, और न मोदी मौज करने के लिए पैदा हुआ है, मोदी मेहनत के लिए पैदा हुआ है। वो आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले इतनी निराशा में डूबे लोग हैं कि भविष्य की ओर देखने के लिए हौसला ही नहीं रहा। ये कहते हैं कि मोदी विकसित भारत की बात क्यों करता है, ये कहते हैं मोदी भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की बात क्यों करता है। ये लोग अपने परिवार और सत्ता के लोभ के अलावा कुछ नहीं करते और जनता से छलावा करते रहते हैं। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे से मैं आज देश के लोगों को, अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं, मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर